हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब यार? क्वारंटाइन चल रहा है, सब घर में बैठे हैं और बेचारे 10th और 12th वाले बहुत टेंशन में हैं क्योंकि बोर्ड्स क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। बट कुछ खुश भी हैं, पबजी लेके बैठे हैं, दिन भर टिकटॉक चला रहे हैं। तो भाई लोग, मैं आपका ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट दिन का लूँगा, मात्र 5 मिनट, और उसमें मैं आपको पूरा 10th का SST पढ़ा दूँगा। रोज़ आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बस मेरी शर्त इतनी रहेगी, आपको उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा पूरा 10th क्लास का SST। तो आज से अपन 10th का SST चालू करते हैं। सबसे पहले लोग हर कुछ कमेंट करेंगे, ये नोट्स कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जितने भी मेरे नोट्स हैं, पूरे नोट्स हैंड रिटन है। ये आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में एक कॉपी है। ये जो मेरे नोट्स हैं, ये हैं भाई की पढ़ाई से, प्यू स्टक से, और कुछ NCERT से, और कुछ सेल्फ मेड नोट से, और कुछ ओसवाल की जो रिफ्रेशर होती है उससे। तो मैंने 4 से 5 सोर्स लिए हैं अपने नोट्स के। कोई यूट्यूबर इतनी बड़ी बात नहीं कहेगा कि ये नोट्स के बाद अगर आप NCERT नहीं भी देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, कैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर के बाद। अगर चैप्टर के बाद पॉसिबल नहीं हो पाया तो हर एक पार्ट, जैसे कि आपको पता है SST के टोटल 4 पार्ट हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री, इन 4 के बाद एक एक लाइव सेशन आना पक्का है। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर को बांटना इसका मतलब होता है। यार आप लोग को चिंता कैसे नहीं हो रही है, आपकी 10th बोर्ड है। मैं 4 से 5 पार्ट में चैप्टर कवर करवा दूंगा, यानी कि 5 मिनट, 5 से 6 मिनट एक का। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट तो मैं मेरा इंट्रो देने में दे रहा हूँ, बाकी पूरी वीडियोस 5 से 6 मिनट में रहेगी। और ये वाला चैप्टर मैं कम से कम 20 से 25 मिनट में ओवर करवा दूंगा। तो आप अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और पता है इस चैनल पर आपको ये सब तो मैं मिल ही रहा है, साथ में 11th बिजनेस के पूरे नोट्स, सारे एक एक चैप्टर सबको समझाऊंगा। और अगर आगे पॉसिबल होता है तो इसमें मोटिवेटेड वीडियोस डालूंगा, ठीक है? वो मैं लाइव आके डाला करूंगा। तो यहाँ पे अपन चैप्टर चालू करते हैं, पावर शेयरिंग। देखो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, दो स्टेट की बात, मतलब दो कंट्रीज़ की बात करेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो इस पार्ट में मैं आपको पूरी बेल्जियम की कहानी बताऊंगा कि बेल्जियम में कैसे लोग थे, कितने प्रतिशत लोग क्या थे, कौन क्या बोलता था। हाँ भाई लोग, और एक बात और, मैं सबको जिसी में क्लियर कर दे रहा हूँ। आप लोग बोलोगे आप प्योर इंग्लिश में पढ़ाते हो, प्योर हिंदी में पढ़ाते हो, तो मैं ना इंग्लिश प्लस हिंदी में पढ़ाया करूँगा, बायलिंगुअल पढ़ाया करूँगा मैं। बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हो ना, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अपना चैप्टर चालू होता है। देखो इस बेल्जियम में क्या हुआ था, मैं एकदम आपके फ्रेंड जैसा पढ़ाऊँगा क्योंकि जिससे आपको समझ आए। और नोट्स तो आपको इतने प्यारे मिल ही रहे हैं, राइटिंग थोड़ी हो सकती है ऐसे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने पूरे पॉलिटिक्स के नोट्स बना चुका हूँ। और मैं ना अभी अपने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ, अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन कर लिए, द बिगेस्ट एडवांटेज यू गेट, ये पूरा चैप्टर का PDF प्रोवाइड करूँगा मैं। हाँ भाई सही सुना आपने, PDF प्रोवाइड करूँगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब जो भी आपको चाहिए बस एक बार कमेंट कर देना। आपको देखो मैं तुरंत, ये तो नहीं बोलूँगा कि तुरंत कर दूँगा, बट डेफिनेटली आई विल डू, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो गया है, अब अपन अपना वीडियो चालू करते हैं, पावर शेयरिंग। तो देखो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं एक कंट्री जिसका नाम है बेल्जियम। भाई पता है, एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको, जो बेल्जियम है ना वो कितना बड़ा है, इंडिया का एक स्टेट है ना हरियाणा, उतना बड़ा इनका पूरा एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। हाँ, और पता है बेल्जियम की एक कैपिटल है, उसका नाम है ब्रूसल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम की क्या कहानी है। देखो बेल्जियम में है, वहाँ पे 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। उसके बाद जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं वेलोनिया में। ये नॉर्थ और साउथ पार्ट है कहाँ का, बेल्जियम का। और जो बचे कुचे लगभग 1% हैं तो वो बोलते हैं हमारी जर्मन लैंग्वेज। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, ब्रूसल की। ब्रूसल में ना केस उल्टा हो गया था, वहाँ पे क्या डच ज़्यादा थे फ्रेंच कम है, यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा है और डच कम है। यहाँ पे फ्रेंच 80% और डच 20% है।
तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे यार ये यूट्यूबर पागल है क्या, क्या हमको दूसरे दूसरे कंट्रीज के बारे में बता रहा है भाई लोग। बट चैप्टर में यही है, एक बेल्जियम की कहानी, एक श्रीलंका की कहानी है। उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई और उनकी लड़ाई ठीक कैसे हुई। देखो जो उनके वहाँ पर लड़ाई हुई थी बेल्जियम में, आप समझ गए होगे क्यों हुई थी, क्योंकि कंट्री में डच ज़्यादा है और वहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। कहीं पर भी जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई और छोटे बहन की कभी कभी पट जाती है, कभी कभी नहीं पटती है, ऐसे वहाँ पर भी लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। तो सबसे पहले वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसके मेनली दो रीज़न थे। जो फ्रेंच लोग थे उनके पास तो पैसा भी बहुत ज़्यादा था और उनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा थी, है ना। लेकिन जो डच थे वो उनकी मेजोरिटी थी कंट्री साइड में, लेकिन कैपिटल में वो लेस थे। यही कारण था, फ्रेंच के पास पैसा था लेकिन डच के पास लोग थे, बस एक यही कारण था वहाँ पर लड़ाई होने का। तो आपको पता है इसके कारण ना वहाँ की गवर्नमेंट को 4 times, हाँ भाई 4 बार उनको वहाँ पे ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा था। अब आप सोचोगे कि बेल्जियम लीडर यार 5वीं बार तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करेंगे, तो उनने सोचा अब क्या किया जाए। तो उनने कुछ स्टेप्स ले ली, और क्या क्या स्टेप ली ये मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। सब लोग 3 से 4 पॉइंट में कंप्लीट कर देते हैं, मैं 1 पॉइंट को छोटा छोटा जिससे आपको याद करने में आसानी हो वैसे समझाऊंगा। टोटल मैं इसके लूँगा 8 पॉइंट, जिसमें कि जो पहला पॉइंट है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, ये 50 तो वो भी 50। सेकेंड जो कहता है वो कहता है जो कि सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसको दोनों साइड से सपोर्ट मिलना चाहिए, फ्रेंच से भी और डच से भी, तभी वो पास होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक ने भी मना कर दिया तो वो स्पेशल लॉ पास नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, जैसा कि मैंने बताया अगर एक ने मना कर दिया तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अपन को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है और स्टेट गवर्नमेंट छोटी होती है, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर किसको दे दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और उसके पास पावर और पैसा आ गया था। फिफ्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, क्या कहता है वो, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे उसको बार बार नहीं जाना पड़ेगा पैसे और पावर के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही उसे पावर दे चुका है, बट कुछ केसेस में उसे जाना भी पड़ेगा बट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको ब्रुसेल के बारे में पहले बताया था कि 80% फ्रेंच और 20% डच हैं, तो ब्रुसेल ने भी सोचा यार बेल्जियम में सब इतना फ़ायदा हो रहा है तो अपन भी अपने यहाँ यही करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनने भी तो यार फ्रेंच की वहाँ पे इज्जत रखी ना, वहाँ पे भी फ्रेंच 19% कम थे एज़ कम्पेयर टू डच, बट उनने ऐसा नहीं किया, उन्हें दोनों को इक्वल मतलब इक्वल राइट्स दिए ना, तो ऐसे ने कैपिटल में भी दे दिए। उसके बाद 7th पॉइंट कहता है डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंट हैज़ एक्सपेक्ट द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनने भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में यही वाला रूल फॉलो कर लिया आधे आधे का। 8th जो पॉइंट है वो क्या कहता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल लैंग्वेज एंड एजुकेशन बेस्ड इशू। अब तुम मेरे कमेंट सेक्शन में लिखोगे भाई यार ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट 3rd टाइप की गवर्नमेंट थी भाई वहाँ पे, जो कि फ्रेंच के लिए, डच के लिए, जर्मन के लिए, तीनों के लिए अलग थी। अब तुम पागल हो जाओगे यार इतनी सारी गवर्नमेंट, हाँ भाई इतनी सारी गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे इसी के कारण उनका अच्छे से चल रहा था, नहीं तो वहाँ पे लड़ाई दंगे होंगे तो वो कब तक खुशी से रहेंगे। किसी भी कंट्री में खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फॉर दी पीस, पीस का सिंबल पता है तुम्हें कैसा होता है, गजब यार। चलो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ
ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि उनके लीडर ने क्या किया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, बेल्जियम लीडर रियलाइज दैट द यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा, बेल्जियम में उनने फ्रेंच और डच को इक्वल, मतलब इक्वल राइट्स दिए, ऐसे ब्रूसेल में भी वहाँ पे फ्रेंच और डच को दिए, तो वहाँ पे अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और इसी के साथ एक खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ मैं कि ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, बहुत छोटा छोटा बनाऊँगा मैं, बहुत इजी इजी आपको सब समझ आएगा, और आपके फ्रेंड जैसा समझा रहा हूँ तो शायद आपको इजीली समझ भी आए। और जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको क्या करूँगा, इसका PDF प्रोवाइड करूँगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और देखो, अगर पॉसिबल हो पाया तो हर चैप्टर के बाद एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें कि आप आपके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपसे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए वो पूछूंगा। भाई अगर इस वीडियो पे तुमने मात्र 10 लाइक कर दिए ना, कितने कह रहा हूँ, सिर्फ 10, तो मैं इसका अगला पार्ट तुरंत बनाना चालू कर दूंगा, तुरंत। अभी तो तुम एंजॉय करो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, आज 2 अप्रैल है, और अब तो मैं अप्रैल में देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग का सपोर्ट रहा मेरे साथ तो मैं मई तक पूरा पॉलिटिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा पॉलिटिक्स, और इतनी छोटी छोटी वीडियोज़ में। और आज की वीडियो में थोड़ा सा टाइम पास भी कह सकते हैं, ऐसे टाइम पास भी हो गया है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है भाई लोग मेरी, इसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, ये तो सभी बोलते हैं भाई, मेरे को भी बोलना पड़ा, लेकिन मेरे को आपसे इतनी उम्मीद तो है कि आप लाइक कर दोगे भाई, क्वारंटाइन चल रहा है, देखो मेरी वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।